हेलो दोस्तों, नमस्ते। ऋतु रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे काढ़ा का रेसिपी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है पपीता, पक्का पपीता, और देखिए इसका बीजा है बहुत सारा। अक्सर हम बीजे को फेंक देते हैं, लेकिन फेंकना नहीं चाहिए। इसका बहुत बड़ा मतलब फ़ायदा है, आप इसको काढ़ा बनाकर खा सकते हैं। पहले बीजा को आप निकाल के धूप में 2-3 दिन सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद देखिए ये इस तरीके से होता है। तो हमने थोड़ा सुखा लिए, ये लगभग 10 ग्राम का बीजा है। तो अगली बार आप बाज़ार से पपैया लाए, अगली बार बीजा को फेंकिए मत, सुखा लीजिए आप 2-3 धूप में, और सुखा कर डिब्बे भर के रख दीजिए। और दोस्तों, ये 10 ग्राम अजवाइन है और थोड़ा सा काला नमक है। दोस्तों, ये अजवाइन है, इसको थोड़ा सा भूनेंगे सूखे तवा में। दोस्तों, धीमी धीमी खुशबू आए तो बस अब गैस को बंद कीजिए, गरम तवा में ही इसको फ्राई कीजिए। दोस्तों, ये है अजवाइन, डालेंगे 10 ग्राम अजवाइन, 10 ग्राम पपीता का बीजा जिसको हम धूप में सुखा लिए, और दोस्तों डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो ये काला नमक है, तो इतना नहीं डालूँगी, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए कम ही डालूँगी। इसका मिक्स करेंगे पाउडर बनाकर। दोस्तों, इससे हम कूट कर पाउडर बना लिया। दोस्तों, तो आप इसको चूरन के टाइप जैसे ले सकते हैं खाने के बाद। अगर चूरन जैसा लेना पसंद नहीं है तो आप गुनगुना गर्म पानी से भी आप ले सकते हैं। तो गुनगुना दोस्तों, पपाया को थोड़ा सा बीजे को अलग कर देते हैं, इसे साफ़ कर लेते हैं। दोस्तों, आप सुबह सुबह 100 ग्राम जैसे ये फल को नाश्ता के बाद खा लीजिएगा, तो आपका पेट साफ हो जाएगा। दोस्तों, हमने सारा बीजे को निकाल दिया, तो देखिए इतना बीजा निकल गया। दोस्तों, जब इस बीजे को आप धूप में सुखाएं तो एक छलनी के में मतलब दुपट्टा डाल के सुखाएं आप, ताकि ये बाहर का धूल मिट्टी इस पर ना गिरे। तो बहुत सावधानी से धूप में सुखा लीजिए आप। दोस्तों, आप इस पपीता का चेहरे पर भी थोड़ा सा लगा सकते हैं। एक टुकड़ा उठाइए और फ्री टाइम में चेहरे पर लगाते रहिए, ताकि आपका चेहरे पर अगर पिंपल हो तो वो भी चला जाएगा, और दाग भी हो वो भी चला जाएगा। दोस्तों, गुनगुना पानी गर्म हो चुका है। ये है चूरन जिसको हमने बनाया अभी अभी। तो दोस्तों, आपको इतना लेना है और पानी में ऐड करना है, और आप इसको ना उस टाइम लीजिए। दोस्तों, ये आप लंच के बाद ले सकते हैं, लंच के 10 मिनट बाद इस पानी को आप ले सकते हैं, और रात को भी सोने से पहले एक बार लंच डिनर के बाद ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये पपीता खाइएगा आप सुबह, ब्रेकफास्ट के बाद ही पपीता खा लीजिएगा। तो इतना पपीता आप घर का पूरा फैमिली खा सकते हैं। तो दोस्तों, उन औरत लोग पपीता ना खाए जो पहली बार प्रेग्नेंट है, तो उन लोगों को नहीं खाना चाहिए। तो प्रेग्नेंट औरत इससे दूर रहिए, पपीता को छूए भी मत। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, दोस्तों से भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।